में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसके हम टोटल 1000 क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पर कोई डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ आपको, सुपर फास्ट ये वीडियो होगा, आपको रिवीजन करा रहे हैं 1000 क्वेश्चनों का। सभी ये किताबों का निचोड़ है, जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ते हो देखते हो, लूसेंट हो गई, स्पीडी हो गई, अरिहंत हो गई, जो भी बुक आप देख रहे हो उन सभी में से छांट के ये क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। भारत के सभी एग्जामों के लिए ये आपका वीडियो उपयोगी होने वाला है। यदि आपने ये पूरे 1000 क्वेश्चन याद कर लिए तो हो सकता है आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन उसमें से फंस सकते हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से सुनना, स्पीड में होने वाले हैं, रिवीजन करेंगे हम बहुत ही शानदार। मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, देखिए 1065-66 ये क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो ये पूरे क्वेश्चन मैं आपके कराने वाला हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो, बाद में आप लोग भूल जाते हो, तो सभी मिलकर अभी से लाइक कर दो, उसका कोई चार्ज नहीं मिलता, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम ऐसे 1000 करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे, हमारा वादा है, जीके आपकी स्ट्रांग करा देंगे। तो सभी के सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दो, भारत के हर एग्जाम में ये आपको काम में आने वाले हैं। करते हैं सुपर फास्ट इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो सर्दियों के मौसम में जो बोई जाती हैं और गर्मियों में कटती है उसको रबी फसल कहते हैं। उकाई बांध किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है उकाई बांध। महमूद बेगड़ा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये गुजराती क्षेत्रीय समाज का सुल्तान था। गतिज श्यांता की इकाई क्या है? पॉइज है गतिज श्यांता की इकाई। द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम। रिले शब्द का संबंध किससे है? तो रिले शब्द का संबंध रनिंग के खेल से है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22 भाषाएं। हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में। एक्सरे की खोज किसने की? कॉनराड रॉन्टजेन ने। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजते हैं? तो लोकसभा के उपसभापति को। मार्तंड सूर्य मंदिर कहां पर है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में पड़ता है। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 1930 में। गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम राज्य में स्थित है। ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर है। पंचायती निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। राष्ट्रीय ग्रह बैंक NHB का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। भूटान की राजधानी क्या है? हमारा पड़ोसी देश थिम्पू राजधानी है। घूमर कहां का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है। दांतों का एनामल किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली स्थायी ऊतक क्या है? तो कोलेन काइमा। सरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो उभयलिंगी फूल के रूप में। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? पारे का यूज होता है थर्मामीटर में। RAW रॉ हमारे देश की जो है खुफिया एजेंसी है। पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये हैदराबाद में है। रेशम का उत्पादन किस देश से आरंभ हुआ? चीन से आरंभ हुआ। सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि एक तारामंडल है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। एशियाटिक शेर कहां पाए जाते हैं? तो गिर वन में पाए जाते हैं। यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या होता है? तो समर्पण होता है यजुर का मतलब। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी पर्वत शिखर सर्वोच्च है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन। रण उत्सव कहां मनाया जाता है? तो कच्छ गुजरात में। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? तो संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। मणिकर्णिका किसका मूल नाम था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहां स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में।
बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में। हंगुल प्रजाति को और क्या कहा जाता है? तो काश्मीरी महामृग। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विनायक सावरकर के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन बना? तो भूटान बना। भोलू हाथी किसका शुभंकर है? भारतीय रेल का शुभंकर है। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं? अर्धचालक के रूप में किया जाता है। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? पंजाब के निवासी थे। एमएस वर्ड एप्लीकेशन क्या है? तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अकबर का निवास स्थान कहाँ था? तो आगरा में अकबर निवास करता था। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो रेल यातायात से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग मेघालय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। भगवान महावीर का जन्मस्थल बताइए? तो वैशाली के कुंडा ग्राम में। भीलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम, जो कि तमिलनाडु में होती है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त वीणा वादक में निपुण था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। भारत का राजचिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ बनारस यूपी में। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण, जैसलमेर राजस्थान में। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन क्या कहलाता है? तो सैटेलाइट। ब्लैक फीवर, काला जार किसका कारण होता है? तो लिशमेनिया डोनोवानी का। बोनापन किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का ना बनना। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो विक्रम साराभाई के नाम पर। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो धमनी पहुंचाती है। 1024 टीबी में, टेराबाइट में, कितने पेटाबाइट होते? तो 1 पेटाबाइट। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110(3) से। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 108 में। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ किस अनुसूची में वर्णित है? 3rd अनुसूची में वर्णित है। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संसद में कौन शामिल नहीं होता? तो विधान परिषद संसद में नहीं शामिल होती है। सुप्रीम कोर्ट पहले कहां से अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो पटियाली में 1253 में। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? तो औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में 3री बौद्ध संगति किस राजा के कार्यकाल में हुई थी? तो अशोक के कार्यकाल में हुई थी, मौर्य वंश के हैं अशोक। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोहिद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था, महमूद गजनबी के साथ वो भारत आया था। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य होता है? तो लामा डांस होता है। दश कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो दश कुमार चरितम के लेखक महाकवि डांडी है। 100 क्वेश्चन हो गए हैं, आपको कमेंट करके बताना। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सिक्किम की जो है राजधानी क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करेंगे। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? तो सातवाहनों ने। एलिफेंटा गुफा किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो डायलिसिस या हीमोडायलिसिस किया जाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फ्रक्टोज के कारण। चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। विद्युत धारा का SI यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। वोल्टमीटर किसको मापने का उपकरण है? तो विवांतर को। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्ति बनाने में।
कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली हो जाती है? तो नेटल नाम का जंगली पौधा है। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो सीपीयू में। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट जो है वर्णित है। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में। जिला एवं सत्र न्यायालय किसके अधीन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अधीन। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 18 वर्ष। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो भाग जो है आपका 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से जो है संबंधित है। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो मद्रास रियासत के थे 49 सदस्य। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित किया गया था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया है? तो अनुच्छेद 326 में। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 50 के तहत वर्णित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइए? तो लुम्बिनी नेपाल। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र बिहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्रम थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान का नृत्य है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। कार्ले बुद्ध गुफाएं कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो पूरी उड़ीसा में स्थित है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेगलेसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। जल का हिमांक बिंदु बताइए? तो 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। मीथेन का सूत्र क्या है? तो CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित है? तारापुर महाराष्ट्र में। तन्यता किसका गुणधर्म है? धातु का गुणधर्म है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 से लेकिन 7.4। रक्त का पीएच मान है ये, ठीक है। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या है? तो शक्ति नाम था। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड था शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है? तो बाइनरी में। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो 22 परमाणु रिएक्टर हैं। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य या प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? तो अशोक ने। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? तो खजुराहो में है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह जो ईरान का शासक था 1739 में अपने साथ ले गया था। इब्ने बतूता कहां का नागरिक था? तो ये मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। भगौरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटका में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? तो राखलदास बनर्जी 1921-1922। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोल वंश तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मन के किसके बने हुए हैं? तो ये स्टेराइट और कार्लिनियन पत्थर के बने हुए हैं। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया निरंजना नदी किनारे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में और अल बरूनी ने लिखी है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, जिसको देव भाषा भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ययाति केसरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य साम्राज्य मौर्य वंश के। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिम के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जजिया कर। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 600 बीसी पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट। धूमल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका जम्मू व कश्मीर का लोक नृत्य है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा।
राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं? तो 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। परावैगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन या O3। श्वसन के दौरान जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? तो ATP बनता है। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। GSLV का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं मिमोसा पुडिका। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो MS Excel में होती है स्प्रेडशीट। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा स्पीकर होता है। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख जी थे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको CAG बोलते हैं। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र मोदी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? तो 1957 की क्रांति के बाद, जब भारत सीधे ब्रिटिश का गुलाम हो गया। पहले किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद से गवर्नर जनरल की जगह वायसराय का पद चालू हुआ। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। संसद में सरकारी बिल प्रस्तुत करते हैं कौन? तो मंत्री के द्वारा प्रस्तुत होता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। उच्च सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी? तो 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13 में। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 108 में। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लागू कब हुआ था आप सभी को पता है, कमेंट करके बताओ। 200 क्वेश्चन हो गए, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था, जो भी आपको डेट याद हो कमेंट करके बताना है, ठीक है? डेट नहीं तो सन सही, जो भी याद हो। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए थे? तो मार्ले मिंटो सुधार हुए थे 1909 में। भारत संघीय क्षेत्र है, संघात्मक शासन व्यवस्था इसका मतलब क्या होता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आ गया आंसर 1950, 26 जनवरी 1950। CRPC की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो धारा 144 बोलते हैं। धारा 144 लागू हो गई। धारा 144 में आप ग्रुप बनाकर खड़े नहीं हो सकते, 5 या उससे अधिक आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23-24 में। ब्रिटेन के PM फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो इन्हें रेगुलेटिंग एक्ट प्रस्तुत किया था। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे उस समय। 2019 में किस भारतीय राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो 2019 में आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक लोक सेवक नहीं बन सकता, तो एक लोक सेवक मतलब सरकारी आदमी सांसद नहीं बन सकता, उसको या फिर अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीने। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो SC द्वारा राष्ट्रपति को सलाह, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो EWS का जो आरक्षण है वो आपका 124वां संविधान संशोधन विधेयक था 2019। जम्मू काश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019
ये किस तारीख को पेश किया गया, जब धारा 370 वहाँ से हट गई और उसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग राज्य भी बना दिया गया, तो 5 अगस्त 2019। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे, तो पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के हैं। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी, तो 100वां संविधान संशोधन। हमने कुछ बांग्लादेश को जमीन दी थी अपनी और बांग्लादेश की कुछ जमीन हमारे पास आ गई, जिससे बाउंड्री अच्छे से जो है खींची गई है ना, सीमा। 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित था, तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं, तो 5 बार। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कोंकणी किस राज्य में बोले जाने वाली भाषा है, तो गोवा में बोले जाने वाली भाषा है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, किन के मध्य हुआ, तो 5 नवंबर 1556 अकबर एवं हेमू के बीच। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है, तो उड़ीसा की है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हड़ है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। गोल गुंबद कहां पर स्थित है, तो बीजापुर कर्नाटक में। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो आपका ये 1989 में। ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है, तो अजमेर राजस्थान में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। चौसा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया और कब लड़ा गया, हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव हैं। जातक कथाओं का संबंध है, तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था, तो ये मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम। दासवंत की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम बताइए, तो त्रिपिटक। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया, तो 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया, 53 में कंप्लीट हुआ। सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो सम्राट अशोक ने बनवाया। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ, तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था, तो गुजरात विजय के बाद। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राज राज चोल ने। संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, माफ कीजिएगा। संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर। पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के कार्यकाल में हुई थी, तो कनिष्क, कुषाण वंश के थे कनिष्क। और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन थे, तो कालिदास जी। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे, तो प्राकृत भाषा में थे। जॉनविल मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शंकर जी को। सर्वप्रथम ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, तो जेम्स प्रिंसेप ने। सिनेगॉग किससे संबंधित है, तो यह चर्च जैसे ईसाई से संबंधित है, सिनेगॉग यहूदी मंदिर है। कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में है, तो बृहदेश्वर मंदिर। स्वर्ण मंदिर जिसको हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, किस सिख गुरु ने बनवाया, तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। कामाख्या मंदिर कहां पर है, तो ये गुवाहाटी असम में है। तानसेन किस गायक से गायन से संबंधित है, ध्रुपद गायन से। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है, तो महाराष्ट्र राज्य में। सफदरजंग का मकबरा कहां पर है, दिल्ली में। बिहार और नेपाल में नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है, तो मधुबनी चित्रकला। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था, तो जहां आरा गौहर आला रोशन आरा, शाहजहां की बेटी थी। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था, तो 1469 तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1739 में। अजंता की गुफाएं कहां स्थित है, तो महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहां पर है, तो कोणार्क उड़ीसा में। मनोरा किला कहां पर है, तो तंजावुर में। ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड किसने बनवाई, तो शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, अकबर के द्वारा बनवाया गया। हुमायूं नामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है, तो डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, तो छोलिया नृत्य। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। रेड डाटा बुक क्या है, तो जानवरों पौधों आदि दुर्लभ और लुप्त प्राय जो प्रजाति हैं उनके बारे में ब्यौरा देता है। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत क्या कहलाती है, तो एपिडर्मिस कहलाती है। मानव रक्त के पीएच का पीएच मान कितना है, तो 7.4। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कंप्यूटर की किस पीढ़ी से या जनरेशन से संबंधित है, तो 3री पीढ़ी में IC चिप का यूज हुआ है।
1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्सन ली ने। UNFCCC किसका संक्षिप्त रूप है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो टेलेक्स का मतलब होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। हेनरी बेकुरल किसकी खोज की थी इन्होंने? तो रेडियो धर्मिता की। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, तो यह क्या है? तो प्लाज्मा द्रव है। राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए यूज होता है? तो नाक के लिए। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक एसिड। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। हेनरी बेकुरल ने किसकी खोज की? तो ये रेडियो धर्मिता की इन्होंने खोज की। राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए उपकरण है? तो नाक की जांच के लिए। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक होता है? तो एसिटिक एसिड। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर है? देहरादून में है ये। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में उगाई जाती है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उसको विभवांतर कहा जाता है, मतलब वोल्टेज। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो एक अर्धचालक है सिलिकॉन। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? तो एमएस एक्सेल से। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। हाथी भालू गैंडे किसके उदाहरण है? तो ये स्तनपाइयों के उदाहरण है। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य होता है? तो बिट होता है बाइनरी डिजिट। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना? तो भूटान। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभावना आती है? तो आयन मंडल। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अभी अधिनियमित किया गया? तो 1986 में। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एमएस वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो ध्वनि से भी तेज जो चले उसको सुपरसोनिक कहा जाता है, जैसे कि सुपरसोनिक मिसाइलें वगैरह होती हैं। चलो, तो आपको मिसाइल से याद आया, 300 क्वेश्चन हो गए, आपको बताना है। 300 क्वेश्चन का सरप्राइज क्वेश्चन है कि मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, भारत का मिसाइल मैन किसको कहते हैं? सतीश धवन जी को या फिर APJ अब्दुल कलाम जी को? भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एस्केप कुंजी का यूज किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड सबसे टॉप में कॉर्नर पर होती है। किसी पदार्थ में मुक्त डैश किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन रहे तो विद्युत सुचालक होगा पदार्थ, याद रखना। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो विद्युत सुचालक रहेगा। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिकी से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी एक रेखा में आ जाएं। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी जी। जर्मेनियम है क्या? तो सेमी कंडक्टर है जर्मेनियम। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो डंक में होता है बिच्छू का विष। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होती है। सिरका या विनेगर का मुख्य भाग क्या होता है? तो एसिटिक एसिड। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसने कहा था? तो मदन लाल ढींगरा ने। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कितना है? तो 2 घंटे का समय अंतराल है अरुणाचल प्रदेश और आपका गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कॉर्नर वाला। भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? तो किबिथू सबसे पूर्वी क्षेत्र है, किबिथू नाम है उसका, अरुणाचल प्रदेश में है। और गोरमोटा ये आपका सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, और ये गोरमोटा कहाँ पड़ता है? तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। डोल ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं
तथा समुद्र हैं। संसद के दो अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने से ज़्यादा संसद में बैठक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीने से ज़्यादा बैठकें ना हो, 6 महीने के अंतराल में एक ना एक बैठक होनी चाहिए। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैत्री शरण गुप्त। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है, तो दादा भाई नौरोजी। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, तो मलेरिया। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है, तो इटली में स्थित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स किसने आरंभ किया था, तो ये हड़प नीति आपकी लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था, तो इल्तुतमिश बना था। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था, तो बाबर के नाम से। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित हैं, तो तुंगभद्रा नदी पर। कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर कहा जाता है, तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क, या गिर अभयारण्य भी है और राष्ट्रीय पार्क भी, दोनों हैं, ठीक है। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है, विटामिन ए। भांगड़ा किस राज्य का सर्वाधिक लोक नृत्य है, लोकप्रिय, तो यह है पंजाब का। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र D2O। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पिटमय मृदा या पीट सॉइल कहाँ मिलती है, केरल में। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, तो वीनस का रखा गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है, मलयालम है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी। जब लाल हरा और नीला रंगों को प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए, तो परिणामी रंग कौन सा होगा, तो उजला या सफ़ेद रंग मिलेगा। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है, शिशु रोग विशेषज्ञ से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए थे, तो स्वर्णवेलगोला में। लाल रक्त कण RBC कहाँ बनते हैं, तो अस्थि मज्जा में। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी, तो महात्मा गांधी जी ने। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के मुलताई नगर के पास। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं, तो पीतल बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो अवतल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल के मैदान किसे कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं, तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है, लॉर्ड विलियम बैटिंग का। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है, तो रैबीज। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है, तो सीसा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, तो धावन सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और सुकड़ जाती है, तो चिकनी मिट्टी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति। लोटस जावा ओरिकल इत्यादि ये शब्द जो हैं किससे संबंधित है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। बंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज के लिए और उत्पादन के लिए। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है, तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में आखिरी उत्पाद अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो माल्टोज होता है। केंचुओं की कितनी आंखें होती है, तो केंचुए में आंख नहीं होती, नेत्र नहीं होते। एक्यूपंचर क्या है, तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है, तो जलीय पादप का अनुकूलन है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है, तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है, तो यदि नमक आयोडीन युक्त नमक यूज करेंगे तो घेंघा रोग आपको नहीं होगा। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है, तो जब राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो DNA के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है, निर्यात को प्रोत्साहन देना। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है, तो बौद्ध की। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है, तो मनु। सबसे लवणीय सागर कौन सा है, तो मृत सागर है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी।
मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ पर हुआ? तो चीन में। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो चरक ने लिखा था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द यूज होता है? तो स्टॉक मार्केट में। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए फेमस राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है? तो जादूगोड़ा में स्थित है यूरेनियम की खदान। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह बताइए? तो विशाखापट्टनम पूर्वी तट का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो सतह से नीचे द्रवीभूत शैल उसको मैग्मा कहा जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध हैं, ये बांसुड़ी वादक हैं, एक बहुत फेमस। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है? तो शक संवत पर। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई? तो पूर्वी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। तो 400 क्वेश्चन हो गए हैं आपके लिए। क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताओ कि भारत का राष्ट्रपति अभी कौन है, भारत के राष्ट्रपति के पद पर अभी कौन पदस्थ है। 400 क्वेश्चन हो गए हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन पदस्थ है। देखते हैं किस किस को पता है इस क्वेश्चन का आंसर, भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन पदस्थ है, कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो यूएसए में। यूएस संसद का कौन सा नाम है? तो यूएस संसद को कांग्रेस कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था? तो रेयन मानव के द्वारा निर्मित सबसे पहला संश्लिष्ट रेशा था। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारे की वाष्प। एलिसा परीक्षण किसके लिए है निर्देशित है? तो एड्स के लिए। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ था, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था? तो नवपाषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर और तांबे के। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी थी आपकी पेशावर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? तो गुजरात विजय का स्मारक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय जी को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन होता है? तो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी हाल फिलहाल में कितने रुपए के नोटों को बंद किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने रुपए के नोटों को बंद कर दिया है, कमेंट करके बताइए। हाल फिलहाल में कितने रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया है, कमेंट करके बताइएगा। वंदे भारत तो ट्रेन है, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था तो आनंद मठ में। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर तो राष्ट्रपति होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगस्थनीस था। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था? तो बुद्ध जी ने। मुगलों की राजभाषा थी तो फारसी थी। टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में शासन किया था। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो थाईलैंड। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। शुंग वंश की स्थापना की थी तो पुष्यमित्र शुंग ने। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? तो मुस्लिम धर्म में। निषाद बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। ओणम उत्सव मनाया जाता है तो केरल में मनाया जाता है ओणम उत्सव। आगा खां किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां हॉकी से संबंधित है। आपके रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खासी एक जनजाति है या भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो मेघालय में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो श्रीहरिकोटा में। अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? तो नॉर्वे कहलाता है।
ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो चीड़ के वृक्ष से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत और तमिल। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो सिकंदर लोधी ने। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो कनाडा में। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो इटली का। संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का मुख्य प्रमुख कौन होता है, तो उपराज्यपाल। हार्मोन्स क्या होता है, तो हार्मोन एक प्रोटीन है। पोलियो बीमारी फैलने का कारण क्या है, तो वायरस या विषाणु। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1909 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक बताइए, तो बाबू कुंवर सिंह जी थे। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी। काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो यह आपकी ताप्ती नदी पर है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये दो लोग थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 किस घटना से संबंधित है, तो 1930 में डांडी मार्च यात्रा हुई थी। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की या जेम्स हिक्की, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना भी की थी, याद रखना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी यही थे, इन्होंने स्थापना की थी। कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, तो प्रोटीन। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है, तो हमीदा बानो बेगम की। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी, तो औरंगजेब के समय। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था, तो अब्दुल समद को। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना था, 26वां। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो कायंत्रित चट्टान में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है की व्याख्या किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी, वल्लभाचार्य ने। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था, तो शुंगवंश। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया, तो बिंबिसार के शासनकाल में। सारनाथ में बुद्ध मंदिर, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, तो आंखों की। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो तांबे का। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था, तो फैराडे ने। न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो तंत्रिका ऊतक की। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई, एस चंद्रशेखर जी के द्वारा। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में भंडार, विशाल भंडार है, कौन सा है, तो प्लूटोनियम। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं, तो विटामिन होता है, विटामिन बहुत आवश्यक है, और खनिज। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। मिट्टी में खारापन और क्षारिता की समस्या का समाधान क्या है, तो वृक्षारोपण। चीन की करेंसी मुद्रा क्या है, तो युआन है। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। हर वर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, वह कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी। संत कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद जी। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला की किस व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है, तो पल्लवों की रुचि को। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे, अकबर के समय। भगवान महावीर की मृत्यु कहां पर हुई, पावापुरी में। रानीगंज कोयला खान कहां पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, सूर्य ग्रहण के समय। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए हुआ है, पाली भाषा का। विज्ञान की भाषा का जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, तो पारिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो जल का। भविष्य का ईंधन कौन सा है, तो हाइड्रोजन। तालाब को कहा जा सकता है, तो कृत्रिम इकोसिस्टम। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है, तो कश्मीर में अवस्थित है। किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो कर्नाटक में। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई, मोहिद्दीन चिश्ती के द्वारा। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा शुरू की गई थी, तो 1999 के समय। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचार्य जी। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं, तो 1000 वर्ष पुराने हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग कैसा है, तो गहरा नीला। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, तो 7 खिलाड़ी। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आहार नाल। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो चेनाब नदी पर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है, तो रूस में। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, तो कम्युनिस्ट या साम्यवादी। लियो टॉलस्टॉय
किस देश के थे? तो रूस के थे। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? स्पुतनिक फर्स्ट। सीएनजी का अर्थ क्या है? तो सीएनजी का अर्थ होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? तो पोखरण में। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप या टापू है? तो मेडागास्कर। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय। कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो टीवी मैकाले। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह जी ने। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1526 में। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो वाडियारों का। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्ट चित्रकला शैली किस भगवान को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? तो उड़ीसा। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो लुम्बिनी। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया था किस वंश के थे? तो वर्धन राजवंश के। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा? तो कणाद ने। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो बौद्ध संघ को। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो जौनपुर सल्तनत पर। अतरंजी खेड़ा पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? दंती दुर्ग ने। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने चार महान सत्य का अपना प्रथम उपदेश दिया? सारनाथ में। सी राजगोपालाचारी जी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तमिलनाडु में। तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मिनहाज उस सिराज ने। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने समझने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। रानी की बाव प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश का शासक था? तो सातवाहन राजवंश का शासक था। खानवा का युद्ध बाबर और किनके बीच में लड़ा गया? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1336 में। किस गुफा में पद्म पाणी बोधिसत्व नामक पेंटिंग है? तो अजंता गुफा नंबर एक में। जब इब्न बतूता भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो कामरूप क्षेत्र पर। निम्न में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो 1793 में। बुद्ध जी की पालक माता कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी को। भारतीय इतिहास में किसे आणविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो वन साम्राज्य को। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1947 से 1971 तक। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 से 1856 के बीच में। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहां से मिला है? तो बनवाली से। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे बी कृपलानी जी थे। भारत के किस राज्य में आशफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था? तो दक्कन प्रांत में। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 में। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 में। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया जिसको बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध किया गया? तो सम्राट अकबर ने। 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? ग्वालियर में। 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की थी? तो आर एस विष्ट ने। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड कर्जन। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था? तो किंग राजवंश। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की। चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो दक्षिणी भाग का। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए? तो सम्राट अशोक ने। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला शैली से प्रभावित थी? यूनान की कला शैली से। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है? तो कालीबंगा एक हड़प्पा स्थल है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहां से आया था? तो वेनिस से आया था। एतमा उद्दौला का मकबरा कहां पर है? तो आगरा में। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार किस किले में है? तो कुंभलगढ़ के किले में। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता था? तो लोकनायक के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया? तो पंजाब पर कब्जा हुआ था
1849 में हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो निजाम उल मुल्क। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये देवगढ़ में स्थित है। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। 1938 और 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? सुभाष चंद्र बोस जी को। देशभक्ति गीत सारे यहाँ से अच्छा के रचयिता कौन है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? तो 1917 में। प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शाशाराम बिहार में। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर में। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1517 में। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो 1858 में। टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़ सिंधु के तट पर स्थित नहीं है। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया? तो महात्मा गांधी जी ने। अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज्मनामा के रूप में किया गया? तो महाभारत का अनुवाद किया गया था रज्मनामा के रूप में। 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत भारत सरकार ने किसको अपने अधीन अधिकार में ले लिया था? तो हैदराबाद को। विजयनगर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो कर्नाटक में। नंदवंश का आखिरी शासक कौन था? तो धनानंद। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। किसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? तो हेनसांग को। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश राज्य की। सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया? तो बैटिंग ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था? तो अगस्त क्रांति मैदान से। महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? पल्लव राजवंश ने। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा सवाई जयसिंह ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत ईसा पूर्व 57 में। मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में हुआ? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है? तो विजेता। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित था? तो दयानंद सरस्वती जी। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1930 में। चलो तो 600 क्वेश्चन हो गए, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत पर सबसे पहले कौन से विदेशी आए। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, सबसे पहले अंग्रेज आए या सबसे पहले पुर्तगाली आए। कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे पहले कौन आए। यदि अंग्रेज आए तो लिख दीजिएगा कि भारत में सबसे पहले अंग्रेज आए, यदि पुर्तगाली आए तो लिख दीजिएगा भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो अबुल फजल। सुरकोटरा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1764 में। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई? तो बिंबिसार के दरबार में। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। मॉमडर्न एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन राजवंश के। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो 1540 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? तो बहादुर शाह जफर को। किस चौहान शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया? पृथ्वीराज चौहान। भारत में किस वर्ष सती प्रथा प्रतिबंध लगाया गया? तो 1829। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया है या बनाया गया था? तो पहले उपदेश की स्मृति में। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा। आत्मी समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी।
कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। भरत स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बादामी। टीपू सुल्तान मैशूर का शासक कब बना? 1782 में। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की? संस्कृत भाषा में। मिन्हाज ए सिराज में किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया गया है? रजिया सुल्तान का। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो आयताकार थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो अकबर की सेना ने। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। मैगस्तनीस कहां का राजदूत था? किसके दरबार में आया था? यूनान का राजदूत था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस स्मारक का निर्माण कराया था? तो बीबी का मकबरा बनवाया था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। आपको बताना है कलिंग जो तटीय क्षेत्र था वो कहाँ पर है? तो वर्तमान उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो आपका कलिंग कहलाता है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरै पांड्य राजवंश की राजधानी थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया? चोल शासकों ने। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था उसका? तो 1917। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए? तो 1915। किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया? तो अकबर ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में। किसको भारतीय राजनीति का पितामह, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया था? 30 वर्ष की आयु में। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान में। मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ? तो राणा सांघा। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? चालुक्य राजवंश के। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया किस वर्ष? 1918 में। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। मेहरुनशाह ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की थी? 1611 में। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश फैलाया? सम्राट अशोक। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? लाला लाजपत राय। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि किसे दी थी? तो मीर कुतुब बख्श को तान रस की जो है उपाधि दी थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो सम्राट अकबर के। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध। द सीक्रेट ऑफ वेदा किसकी जो है पुस्तक किसने लिखी है? तो श्री अरविंदो ने। राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने कहाँ शासन किया था? तो कश्मीर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1934 में। दंती दुर्ग किस राजवंश के शासक थे? तो राष्ट्रकूट राजवंश के। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद जी इंडिया विंस फ्रीडम के जो है लेखक हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? तो व्याकरण से है। सांगकेन किस का पर्व है? तो बौद्धों का पर्व है। मुगल दरबार के इतिहासकार किस भाषा में जो है लिखे गए हैं, लिखते थे? तो मुगल दरबार के इतिहासकार जो हैं फारसी भाषा में लिखते थे इतिहास। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो चरक का। खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई? तो मुजफ्फरपुर जेल में। कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? तो वराहमिहिर।
जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व का महत्व का स्थान है? तो बुर्जहूम। नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली थी? तो उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली। होम रूल आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1916। किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया? 1857 की क्रांति के समय भेज दिया था। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया था? तो अवध पर। किसको दक्कन का ताज नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो नरसिंह देव प्रथम के समय। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1782 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई? ढाका में। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? किस भाषण प्रसिद्ध हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की। किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो पुर्तगालियों ने। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में कौन सा भारतीय राज्य है वातापी? तो कर्नाटक वाला राज्य। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? तो काकतीय राजवंश की। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग जी। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो शामवेद। भगवान महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में? तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में थे और इंडियन ओपिनियन की अखबार की स्थापना की थी। वर्साय की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो 1919 में। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो कलिंग के युद्ध के बाद। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा कितने खंडों में रचित है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है और ये करीब करीब 3 खंडों में विभक्त है। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्य शोधक समाज की। दलित समुदाय के अधिकारियों की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? तो मुंबई में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? जनवरी 1915 में। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अंग्रेज द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई थी? तो हुगली नदी किनारे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया था अपने राज्य में? तो इब्ने बतूता को। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया गया था? तो मुंबई से। औरंगाबाद शहर की संस्थापक किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर ने औरंगाबाद शहर स्थापित किया। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता था? रुद्रप्रयाग। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? सम्राट अकबर ने। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के वक्त समय का वक्त क्या था? आधी रात को हमें आज़ादी मिली थी। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 16वीं सदी में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया? तो शाहजहां ने। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली? सी राजगोपालाचारी ने। मौर्य वंश का आखिरी अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है? तो विष्णु शर्मा ने लिखी है। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वैशाखी के दिन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर हैं। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? तो इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। स्वतंत्रता के पहले की बात हो रही है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो कलकत्ता में। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद में। किस गवर्नर जनरल के समय भारत को स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कैनन के समय हुआ था। 1857 की क्रांति की बात हो रही है। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के
से संबंधित चार पवित्र स्थलों में से एक, ये कहाँ पर है? तो महाबोधि मंदिर है बिहार में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कौन कहाँ पर है? तो ये हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में है। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर को। बाबर की आत्मकथा बाबर नामक किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने। किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? संगम वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में हुई? तो हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में हुई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किस भाषा में लिखी? तो मराठी भाषा में। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो विजयनगर के शासकों ने कराया था। रोलेट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे की कितने वर्ष के लिए हिरासत में रखा जा सकता था? 2 साल की जेल हो सकती थी बिना मुकदमे के। किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो पुरापाषाण काल में। दादाभाई नौरोजी क्या थे? तो एक व्यवसायी बिजनेसमैन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? तो चालुक्य राजवंश के। किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो 1907 में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1953। यहाँ सही कर लो, पिछली बार भी गलत बता दिया था, 1953 है, यहाँ पर 55 नहीं है, ठीक है, 1953 मैं ही सही कर देता हूँ, रुक जाइए, लीजिए राइट कर दिया, 1953 याद रखिएगा। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका राज था? तो अनंगपाल का राज था। सरोजिनी नायडू कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? तो कानपुर में। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष हुई थी? 1757 में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो 1773। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद उल नबी के नाम से पैगंबर मोहम्मद जी का जन्मदिन याद किया जाता है। वुड की नीति पत्र का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो ऐहोल। अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू हुई थी? तो 1801 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। मिन्हाज ए सिराज किसके शासनकाल के दौरान इतिहासकार थे? तो इल्तुतमिश के समय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ? तो 1906। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहाँ आयोजित किया गया? तो नागपुर में। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया? तो धम्म महापात्रों को। किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया था? तो दंतीदुर के द्वारा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? तो 1905 में ही। पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक को हराया था इन्होंने? तो सुल्तान मोहम्मद गौरी को। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो मुर्शिदाबाद। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? तो 1530 तक। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा की घटना के बाद। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो भगत सिंह जी को। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष से साम्राज्य में शामिल किया था? तो 1856 में। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्ला खां को किस लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? तो काकोरी त्रिन डकैती। किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने। कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? तो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलाम को बंदगान कहा जाता था। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा? तो औरंगजेब के खिलाफ। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे।
चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया? तो बाबर ने। गौतम बुद्ध जी ने कहाँ पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया? तो सारनाथ में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो जिले इलाही की। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो महाराणा दिलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में। ऐहोल किस वंश की राजधानी थी? चालुक्यों की। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1929 में। किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले जी ने। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण था? तो मोती मस्जिद दिल्ली वाली। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया? तो बिंदुसार को। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। किस योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। रामभर स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये भगवान बुद्ध का जहाँ अंतिम संस्कार किया गया था, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में। महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। माले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। अनंतनाग शहर कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ये ग्रीस के निवासी थे। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मेघालय राज्य में। वे ऋग्वेद में कितने सूक्त या श्लोक हैं? तो 1028। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम नदी। बैलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो सैनिकों की भलाई के लिए। चौरी चौरा कांड संबंधित है? तो ये असहयोग आंदोलन से। मुगल कालीन भारत में भू राजस्व था? तो भूमि पर कर भू राजस्व का हिस्सा था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो क्लीमेंट एटली। मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस का संबंध किससे था? तो शाहजहां से। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो B.R. अंबेडकर जी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो मराठों के द्वारा। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य राजवंशों ने। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय जी को। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे? तो पक्की ईंटों के। किस मुगल बादशाह ने दो बार शासन किया? तो हुमायूं ने। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई? तो अकबर के शासनकाल में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए? तो पुर्तगालियों ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था? तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो रायगढ़ के किले में। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो एक प्रकार का कर था। शकों ने कहाँ शासन किया? तो सौराष्ट्र में। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा ही खोजा गया। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 में। सिख खालसा स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो सिख खालसा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। पल्लव राजा की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो W.C. बनर्जी ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? लॉर्ड हार्डिंग ने। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किससे के प्रति आभारी है? तो हरिहर और भुक्का के प्रति। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनी के शासनकाल में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। कर्नाटक गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हार्डेकर
मंजाप्पा जी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो मंगलोर की संधि के साथ। पुर्तगाली यात्री नुनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था, तो अच्युत राय के शासनकाल में। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा था, तो मैसूर महल। कनिष्क राजा की राजधानी क्या थी, तो पेशावर। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे, तो पत्थर और तांबे के। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक खारवेल। निषाद बाग किसने मनवाया था, जहांगीर ने। भारत में प्रथम अफगान शासक शासन की स्थापना किसने की, तो बहलोल लोधी। शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। सातवाहन वर्तमान में किस प्रदेश से संबंधित थे, तो आंध्र प्रदेश से। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था, तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर के। महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई, तो पावापुरी। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई, 1764। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक चला, तो 40 वर्षों तक। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस की सहायता ली, तो चाणक्य की। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो गया में। मोहन जोदाड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया, तो हिंसांग। गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में की थी, तो नमक पर टैक्स के विरोध में। वाडियार राजा कहाँ के शासक थे, तो वाडियार लोग थे जो मैसूर के देशी राज्य के शासक। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया, तो एलन बरो ने। बीजापुर का गोल गुम्बज मकबरा किससे संबंधित है, तो मोहम्मद आदिल शाह। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष क्या है, तो हम्पी है। कर्म ही पूजा है किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का यूज किया गया है ऋग्वेद में, तो इंद्रदेव के लिए। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो श्री शंकराचार्य जी। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का ढला था, शेरशाह सूरी के समय। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है, महात्मा गांधी जी से। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन प्रसिद्ध नेता उभर कर आया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, तो कन्नौज। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी, तो प्रकृति की उपासना थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1526 में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो भोजक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम। 1857 की क्रांति का कानपुर में किसने नेतृत्व किया, तो नाना साहेब जी ने। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो एनी बेसेंट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, समाजवादी पार्टी से। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की, सेवाग्राम आश्रम की। अकबर का सेनापति कौन था, तो मान सिंह। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहां से शासन किया, तो गोलकुंडा से। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे, तो शाहजी थे। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है, तो दिल्ली में। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया, तो बाल गंगाधर तिलक जी को। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं, तो अकबर की शासन प्रणाली की सूचनाएं हैं। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए, तो अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध जो है कदम उठाए। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो एलोरा। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे, तो चरक। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा, उधम सिंह ने। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो वीर सावरकर जी के द्वारा। रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1919 में। गांधीवादी जो विचारधारा के अग्रणी प्रतिवादक कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे जी। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे, तो शुंग वंश। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया, तो बिंबिसार के। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है, तो आगरा के किले में स्थित है जहांगीरी महल। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने मार्च 1919 में धरने पर बैठे, तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 288 फिट।
किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो ने। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ? तो क्षत्रिय राजघराने में। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? तो भगवान बुद्ध बौद्ध जी का संबंध है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो 1835 में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हुए थे विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के बाद। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई? तो राजेंद्र प्रथम ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? तो लोथल में था। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? तो ढाका में हुई थी, 1906 में हुई थी। और किसने की थी ये कमेंट करके बताओ। मैंने दो चीज़ें बता दी आपको, एक तो ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में हुई थी, किसने की थी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928। किस भारतीय नेता को प्राय लोह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी? तो जहांगीर ने। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता में। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क की शोभा थे। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। दीलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काट कर बनाया गया एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाया था? तो राजकूट वंश ने। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन के लिए। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। महात्मा गांधी जी किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो नमक सत्याग्रह में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी किनारे। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित करता है? तो कैवल्य के रूप में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टकृत है? तो नगर नियोजन के लिए। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की? 1940 में। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहेब के रूप में जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण काल युग में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए का आविष्कार। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तुजुक ए बावरी के लेखक कौन है? तो बाबर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजातशत्रु। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला में। मांड कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो 49। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज इमिल पैलाडे ने। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व तो किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है।
धन्वंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कर आचार्य जी। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। AM चिदंबरम स्टेडियम कहाँ पर है? तो चेन्नई में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता था? 1951 से 1962 तक के कार्यकाल को। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो ये गोटेदार लहंगा, सुना है ना गाना, तो राज्य राजस्थान राज्य से। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? इल्तुतमिश। प्रसिद्ध रचना तूती नामा किसके शासनकाल में रचे थे? तो अकबर के। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल, इसका अर्थ क्या होता है? ख्याल का अर्थ होता है कल्पना। 2 क्वेश्चन आपको और दिख रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा, दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने ग्रुप हैं सब जगह शेयर करो, तब जाके हम आपको ऐसे ही बड़े बड़े और वीडियो लाएंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। किस किस को चाहिए ऐसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, कमेंट करके बताओ। पूरा वीडियो किस किस ने देखा कमेंट करके बताना, और हमें अपना प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।